पाकिस्तान में गुजशा चौबीस घंटों के दौरान मजीद बासठ मरीज जिंदगी की बाजी हार गए जबकि एक हजार सात सौ बानवे अफराद में कोरोना वायरस की तशीस हुई है जिसके बाद मुल्क में मुस्दिका मरीजों की तादाद चार लाख अट्ठानवे हजार नौ सौ अड़सठ हो गई है नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक मुल्क में वबा से अब तक जाबाहक मरीजों की तादाद नौ हजार तीन सौ बानवे हो गई है सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक गुजतर चौबीस घंटों के दौरान कोरोना के चौंतीस हजार सात सौ बहत्तर टेस्ट किए गए जिसके बाद अब कोविड नाइन्टीन टेस्ट की मजमु तादाद तिरसठ लाख छत्तीस हजार एक सौ तेरह हो गई है एन सी ओ सी के मुताबिक मुल्क में कोरोना के मरीजों की सबसे ज़्यादा तशखीस सिंध में हुई है जहाँ मुशदा मरीजों की तादाद सिध में दो लाख चार हजार आठ सौ चालीस पंजाब में एक लाख इकतीस हजार नौ सौ तैंतीस खैबर पख्तुमखा में पचपन हज़ार एक सौ तिरासी बलोचिस्तान में सत्रह हजार नौ सौ छब्बीस इस्लामाबाद में छत्तीस हज़ार दो सौ सत्तावन गिलगित बल्तिस्तान में चार हजार आठ सौ सत्ताईस केसेज जबकि आज़ाद कश्मीर में मरीजों की तादाद आठ हज़ार दो हो गई है वजीर अजम पाकिस्तान इमरान खान ने कहा है कि दुनिया को एक बार फिर आगाह करना चाहता हूँ भारत फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर सकता है जिसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा इमरान खान ने खबरदार किया कि भारत किसी गलत फहमी में ना रहे कोई भी जारहियत की मुँह की खाएगा वज़र अजम का कहना था कि एक बार फिर आदमी बरदरी को आगाह करता हूँ कि भारत ने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया तो पाकिस्तान का मजबूत कौमी जवाबी रद्दअमल आएगा दुश्मन को फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा वजे अजम इमरान खान ने कहा है कि भारत अपने अंदरूनी मसाइल से तो हटाना चाहता है हमसा मुल्क मुशी बदहाली किसानों के एहतजाज और कोरोना वायरस की वबा से निमटने में नाकामी जैसे मसाइल का शिकार है आलमी बरदरी को एक बार फिर आगाह करना चाहते हैं की भारत फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर सकता है खबरदार करते हैं कि भारत किसी गलत फहमी में ना रहे वजीर अज़म इमरान खान ने अपने ट्वीट में कहा कि सिर्फ रवा साल भारत ने एल ओ सी और वर्किंग की तीन हजार खिलाफ वर्जियाँ खातन और अड़सठ बच्चों समेत दो सौ छिहत्तर मासूम शहरी भारतीय इश्तारंगेजी का निशाना बने वजीर अजम का कहना था कि भारत ने आलमी खवान की खिलाफ वर्जी करते हुए जान बूझ कर यू एन का निशान और नीला झंडा होने के बावजूद अकवा मुतहद की गाड़ी पर फायरिंग की वजी अजम ने कहा कि भारतीय एकदम से जाहिर हो गया है की रियाती जिम्मेदारी को मुकम्मल नजरअंदाज आलमी कवानीन अकवा मुतहदा का एहतराम न करना जाहिर करता है पाकिस्तान भारत की इस जाबराना रवैये की शदीद मसम्मत करता है मुल्तान में मीडिया से बात करते हुए वजी खारजा शाह महमूद क़ुरैशी ने कहा कि मुतहदा अरब अमारात के दौरे के दौरान उन्होंने अबूजहबी शारजा और दुबई में पाकिस्तानियों के मुश्किल पर बात की पाकिस्तानियों के लिए मुतहदा अरब अमारात के वीज़ों का मसला आर्जी है जल्द हल हो जाएगा शाह महमूद कुरैशी ने बताया की मुतहदा अरब अमारा या सऊदी अरब भारत को पाकिस्तान पर फोकियत नहीं देते बहुत जल्द अरब अमारात की क़्यादत पाकिस्तान का दौरा करेगी शाह महमूद क्रैशी ने कहा कि हमने अरब अमारात्यादत से अफवा अमन अमल में पाकिस्तान के किरदार पर बात की इसराइल के बारे में अरब अमारात का मौका भी सुना और इसराइल से ताल्लुक के बारे में वाज मौक़ पेश किया हमें किसी के दबाव पर नहीं पाकिस्तान को सामने रखकर फैसले करने हैं इसराइल से मुतालिक ना तो हम दबाव बर्दाश्त करेंगे और ना ही हम पर कोई प्रेशर है मैंने वाजे कर दिया है कि फलस्तीन और मसला कश्मीर पर हमारा मौका दुनिया पर आया है मसला फ़लस्तीन के हल तक इसराइल से ताल्लुक नहीं रखेंगे था कि पाकिस्तान ने भारतीय इश्ताली के हवाले से अकवा मुतहदा के सेक्रेटरी जनरल और सलामती कौंसिल को खत लिखा है दफ्तर खारजा की जानब से जारी होने वाले बयान के मुताबिक पाकिस्तान ने भारतीय फौज की जानब से UN मिलिट्री ऑब्सरवर ग्रुप की गाड़ी पर हमले का मामला اقوام متحدہ में उठा दिया है भारतीय हमले का मामला UN में पाकिस्तान के मुस्तकिल مندوب ने खत के जरिए उठाया पाकिस्तान की जानिब से UN के सेक्रेटरी जनरल और सलामती काउंसिल के सदर को लिखे गए खत में कहा गया है कि भारतीय फौज ने اقوام متحدہ के मुबसरिन और उनकी गाड़ी को जानबूझकर निशाना बनाया हमले का मकसद पाकिस्तान के खिलाफ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी लगता है ताहम पाकिस्तान किसी भी भारतीय मुहिम जोई का मुँह तोड़ जवाब देगा तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान के मुस्तक मंदूक की जानब ऐसी लिखे गए खत में भारत की जानब से शहरियों को निशाना बनाने और एल ओ सी पर सीज फायर माहे की मुसलसल खिलाफ वर्जी से भी आगाह किया और यू एन पर जोर दिया की भारतीय हमले की शफाफ तहकीकत की जाए कोयटा में सहाफियों से गुफ्तु करते हुए जमीत इस्लाम के सीनियर रहनुमा और सबक चेयरमैन इस्लामी नज़रियातींसिल मौलाना मोहम्मद खान शिरानी का कहना था कि पी डी एम जाति मफादा के लिए कायम हुई है जबकि वजीर अजम इमरान खान अगले पाँच साल भी पूरे करेंगे एक सवाल के जवाब में सबक चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती कौंसल का कहना था की मौलाना फजल खुद सेलेक्टेड है वो इमरान खान को कैसे कहते हैं की वो सिलेक्टेड है मौलाना शेरानी ने कहा कि फजल रहमान से हमेशा झूठ बोलने के मामले पर अख्तिलाफ़ रहा और आइंदा भी रहेगा क्योंकि वो झूठ बोलने के माहिर हैं सीनियर रहनुमा जे यू आई का कहना था कि मौजूदा पी डी एम तहरीक मफादा के लिए क़ायम हुई है क्योंकि इस्टेबलिशमेंट से डील के लिए फजल रहमान जल से जुलूस कर रहे हैं मौलाना आख्त शेरानी का मजीद कहना था कि जमयतलमाए इस्लाम पार्टी किसी की जागीर नहीं यह हमारी अपनी जमात है तो फिर अलहदा ग्रोह क्यों बनाए फजलर रहमान पार्टी पर काबिज हैं उनका कब्जा ख़त्म करवाएंगे मौलाना शिरानी ने कहा कि हाफिज हुसैन हमारे साथी हैं हमारा कारकुनान से रता है और जद्दोजहद भी जारी है हर जिले में कारकुनान मुतहरिक होंगे और दफातर भी क़ायम करेंगे